Guys, आज की की वीडियो में हम वाले वो 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 भी 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 करने करने जा रहे। वो भी C language तो वो भी करने जा रहे रहे में। में में तो चलिए जानते होते क्या हैं? हमने हमने, हमने ट्राइड किया था और हमने मेकिंग किया था फेर मैचिंग किया था इंटुएटिव और मोरबल uh, और हमने मोरबल और यूजिंग किया था स्टैक्स और हम फॉलो करेंगे एक सिंपल एलगोडम वो भी एक,

और इस इस मैच को वो भी फेरन डिशेज का और अनबैलेंस वैन जब हम इनकाउंटर करते हैं और एदर जो हमारी दो या दी, टू ऑफ दी स्ट्रबल्स यहाँ पे नहीं होती ओपनिंग ब्रैकेट वो भी अंदर स्टैक टू टॉप के ओके तो यहाँ पे हम टू टू टॉप और आप जाते हो और एक करते हो वो भी क्लोजिंग ब्रैकेट के स्टैक साइज

आ, भी हमने हमने पर, आ, कर लिया है इनफ एग्जाम्पल वो भी प्रीवियसोरिये में सो आप चेक कर सकते हो उनको भी इन आज के लेसन में हम अंडरस्टैंड करेंगे कोर सॉरी आज के लेसन में हम वी विल बी आज के लेसन में जैसे मैं आपको बता दी हम क्या बताने जा रहे हैं आज के लेसन में हम प्रोग्राम करेंगे ए, ए, को वो भी सी लैंग्वेज में अंडरस्टैंडिंग द कोर्ड बिलो नंबर वन स्टार्टिंग बाई क्रिएटिंग एंड इंटीजियर फंक्शन फेर मैच और जब पास two, वो भी, भी, करता है वो आपके रेफरेंस वो भी करेक्टर को जैसे एक्सप्रेशन फॉर एग्जाम्पल इन द फंक्शन ऐसा पैरामीटर फंक्शन है वो रिटर्न करेगा वन नंबर टू अंदर वो भी डेट फंक्शन के क्रिएट करता है क्रिएट करता है एक स्टेक पॉइंटर एस बी और इंटरलाइज करता है आपके साइज मेम्बर को वो भी थोड़े बड़े बिग नंबर में और लेट इट भी हंड्रेड जैसे कि हंड्रेड भी हो सकता है कैंडलाइज करेगा टॉप टू टौ माइनस वन और असाइन करेगा आपके एरे पॉइंटर आ मेमोरी जैसे कि आप यहां पे एक एग्जांपल देख सकते हो कोड स्नेप वन क्रिएटिंग एंड इंटेलाइजिंग स्टैक और स्टैक एरे नंबर थ्री सो इट विल बी बेटर ये अच्छा हो सकता है अगर आप जस्ट कॉपी करते हो सारी चीज़ें और स्टैक की और करते हो बिकॉज ये ज्यादा या लेस रिमेन और जो सेम है फॉर डेट पार्ट हम आई विल यूज़ द एरे मैं यूज करूंगा एरे एक ओके सो नंबर फोर ये चेंज करता है डेटा टाइप वो भी एरे का वो भी इंटीजर टू चार और अकॉर्डिंगली ये चेंज करता है सारी चीज़ें वो भी इंटीजर से चार और एंड ए आर आर टू एक्स पी नंबर फाइव ये रन करता है लूप और स्टार्टिंग करता है ये शुरू से ऑफ द एक्सप्रेशन टिल ये रीच नहीं हो जाता ई e ईओई का मैंने आपको मतलब बता दिया ईच वन एक्सप्रेशन इफ द अर नंबर सिक्स अगर आपका इफ अगर आपका करंट करेक्टर अगर आपका करंट करेक्टर एक्सप्रेशन का ओपनिंग कर रहे हैं फेर एंड डीचे सर्ची के पुश इनटू टू एट इनटू टू दैग और आप यूजिंग कर रहे हो पुश ऑपरेशन नंबर सेवन एल्स एल्स अगर आपका करंट करेक्टर क्लोजिंग कर रहा है फेर एंड डीचे और सी कर रहा है अगर आपका स्टैग इस नहीं है और यूजिंग कर रहा है इस एम और ये रिटर्न कर रहा है जीरो सो यहाँ पे इट्स सेल्फ और जो एस पॉप जो टॉप मोस्ट करेक्टर है वो यूजिंग करेगा आपके पॉप ऑपरेशन नंबर एट इन द एंड आखिर में आखिर में जो अगर आपका स्टैक है ना वो बिकम्स कर लेगा एम और रिटर्न करेगा एक और या फिर एस जीरो नंबर नाइन इन द मेन डिफाइन जो मेन डिफाइन रैंडम करेक्टर है ना एरे का वो एक्सप्रेशन करेगा और पासिंग करेगा आपके एक्सप्रेशन वो भी पैरेंट डिजेज में मैच करेगा विल डू आवर जॉब जो आपकी जॉब हो है. तो यहाँ पे आप देख सकते कोड है जो फेर एन के मैच कर रहे हैं तो आप देख सकते हो तो यहाँ पे हमने कोड टू में हमने क्रिएटिंग किया है मैचिंग फंक्शन पे पूरा होल कोड प्रोवाइडेड है अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये आप यहाँ पे, पे देख सकते हो ये पूरा एक होल कोर्स प्रोवाइडेड है होल सोर्स कोड यहाँ पे आप देख सकते हो अगर इसको हम यहाँ पे जाके जाकेशन थ्री में जो हमारा प्रोग्राम है वो चेक कर रहा है और बैलेंस कर रहा है हमारे को। सो लेट्स नाउ जस्ट हम ची करेंगे अगर हमारा फंक्शन वर्क कर रहा है प्रॉपरली तो हम गिफ्ट करेंगे ए, इसको सम एक्सप्रेशन वो भी हमने चॉइस की। तो यहाँ पे आप इसकी एग्जाम्पल्स देख सकते हो तो ये आप देख सकते हो आज की वीडियो में हमने ये जाना है और यहाँ पे और थोड़ा सा जान लेते यहाँ पे जाते तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो आउटपुट हम रिसीव करेंगे वॉज द पेरेंट इज इज मैचिंग और ये आप देख सकते इफ एंड एंड होल्ड अब ऑब्जर्व एक्सप्लेक्सप्लिकेशन ऑफ स्टेप और यूज़ करेगा ऑलमोस्ट सारे ऑपरेशन जो हम लर्न करेंगे पहले फ्रॉम पोस्ट से पॉप टू इट एमटी एवरी थिंग सारी नो डाउट वाई दिस इज जो ये पहला और डिस्कसिंग हमने किया है नोट दू फस है ना ये मैचिंग करेगा नाउ एवर ये टेस्ट करेगा गिव इन करेगा आपके एक्सप्रेशन को वो भी मैथामेटिकली वैलिड वैलिड या फिर नहीं बिकॉज ये नहीं सपोज है टू और हैज मीन करेगा और जस्ट रिटर्न करेगा वेदर जो आपके पेरेंटीज है वो भी एक्सप्रेशन में वो आप बैलेंस है या फिर नहीं फॉर एग्जाम्पल जो आपका एक्सप्रेशन है एट मल्टीप्लाई बाय नाइन एक मैथामेटिकली और इनवेलिड है बट इसके बाद एक बैलेंस फेरन डीसेस है अब मैं अप्रिशिएट करूंगा आपके सपोर्ट थ्रू मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी ज्यादा पसंद आया होगा अगर आप जेनवली मेरे वर्क को अप्रिशिएट करते हो तो अपने दोस्तों को बताएं इस कोर्स के बारे में अगर आपने अभी तक मेरी पूरी होल बिले चेक नहीं की तो आपने मूव ऑन करना है कोर्व डॉट कॉम पर मेरे यूट्यूब चैनल या फिर मेरे कोर्ट डयान डॉट कॉम पर मेरे यूटूब चैनल आप परसेस कर सकोगे आसानी से तुमने आज की वीडियो में जाने का पैरेंटी चेकिंग और हमने यूजिंग टैग वो भी सी लैंग्वेज में तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी अगर पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक करें अपने दोस्तों और फैमिली का वीडियो को शेयर करें तो हमें मिलेंगे नेक्स्ट में फॉर टूडे गुड बाय